नमस्कार दोस्तों, करण जौहर की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टोरियल फिल्म कभी खुशी कभी गम, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और मेरे ख्याल से इतनी मल्टी स्टार कास्ट तो अभी के ज़माने में कोई भी फिल्म में नहीं होती है। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जया भादुरी, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार इसमें काम किए थे और बहुत सक्सेसफुल ये फिल्म रही थी। इस फिल्म के हम एक एक गाने की बात कर ले, एक सीन की बात कर ले, और शाहरुख खान का जो एंट्री सीन था जिसमें वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं और अपने घर पे आते हैं, वो आज भी इतना ज़्यादा फेमस है। इनफैक्ट करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में वो सीन डाला और अपनी फिल्म की 19 साल की पूर्ति होने पर लिखा कि हाउ ग्रेटफुल आई एम टू शेयर विद दिस यू दैट माई फिल्म इज़ कम्प्लीटेड 19 ईयर्स। और बहुत सारे लोगों ने इसमें कमेंट भी किया। मनीष मल्होत्रा ने लिखा कि बहुत ज़्यादा उन्हें आज भी ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आती है। एकता कपूर ने कमेंट किया इमोजीज के साथ। ईशा अंबानी ने लिखा कि थिंग्स आर गेटिंग ओल्ड, आई एम फीलिंग ओल्ड आफ्टर वॉचिंग द आफ्टर रिमेम्बरिंग दैट इट इज़ कम्प्लीटेड 19 ईयर्स। और बहुत सारे लोगों ने कि मतलब लोगों का बचपना ही इस फिल्म से गुजरा है। जितने भी अभी सेलिब्रिटीज है प्रेजेंटली, उन लोगों ने जब देखा था ये फिल्म तो सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश भी हैं इस फिल्म को लेकर। खैर, आप लोग देखते रहिए सिने स्पीक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।